बीएसएफ ने आज अटारी सरहद से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करदे दो अतवादियों को ढेर कर दिता है। बीएसएफ वालों दी गई जानकारी अनुसार अज तड़क सार अटारी बॉर्डर से बीएसएफ के जवानों ने दो घुसपैठियों सरहद पार करदे वेख्या और उन्होंने इन अतवादियों को चेतावनी दी जिस तो अतवादियों वालों बीएसएफ जवानों से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोहे अतवादी ढेर कर दिए गए। इन दोहां अतवादियों पासों नशीले पदार्थ और हथियार और गोली सिक्का भी बरामद होया है। जिन्हों दो AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 1 पिस्तौल और गोली सिक्का तो इलावा 5 किलो हैरोइन भी बरामद हुई। इस घटना तो बाद पंजाब पुलिस ते बीएसएफ वालों समुचे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई। बीएसएफ ते पंजाब पुलिस को शक है कि अतवादी घुसपैठ करके भारत में कोई वड्डी वारदात करने के इरादे नाल आए सन। बीएसएफ के DIG भुपिंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसिया कि ठंड के इस मौसम धुंद पैणते पाकिस्तान वाले पासों घुसपैठ और तस्करी दी कोशिशों में वाधा हुंदा है पर सीमा ते तैनात बीएसएफ जवानों की चौकसी अजिहिया कोशिशों नाकाम करती है। उन्होंने दस्या कि बीएसएफ वालों सरहद के जवानों की नफरी बढ़ा दी गई है। कल रात को यानी कि 16-17 दिसंबर की रात को बीएसएफ के ट्रुप्स ने अमृतसर सेक्टर के 3 सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन किए हैं और तीनों ऑपरेशन में हमें कामयाबी हासिल हुई है। फर्स्ट ऑपरेशन जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो BOP राजाताल के इलाके में हुआ जिसमें 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स जो कि एक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे, एक के पास AK-56 राइफल और 61 राउंड और 3 मैगजीन थे और दूसरे वाले के पास में एक मैगनम राइफल 0.223 बोर, एक मैगजीन और 29